हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच कर करके वो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर एन एस आर फॉल्स स्टेटमेंट देन डिटरमाइंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी के गिवन है। पी की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू टी है और क्यू की भी ट्रूथ वैल्यू टी है, हमें गिवन है। और जो स्टेटमेंट आर है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है और स्टेटमेंट एस की भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। इस तरह से हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें फॉलोइंग्स की क्या है ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन, ठीक है, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, ठीक है। सो पी की वैल्यू हमें ट्रू दी हुई है तो टी डिसकंजंक्शन, क्यू की वैल्यू भी हमें ट्रू दी हुई है कंजंक्शन आर, आर की वैल्यू में फॉल्स दी हुई है। ओके, सो टी डिसकंजंक्शन, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, ठीक है। आपको ये जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, जब दोनों भी ट्रू स्टेटमेंट रहेंगे तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। ओके, उसी तरह से डिसजंक्शन, अगर दोनों भी फॉल्स है तभी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा। ओके, देन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना, सेकंड फॉल्स होना, तब हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन के अदर अगर अगर कोई भी दूसरी कंडीशन होती है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, उसी तरह बाय कंडीशनल में क्या है, अगर दोनों भी ट्रू है या फिर दोनों भी फॉल्स है तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। ओके, और नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है और फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है। ओके, ये ध्यान में रखना, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, सो जैसे कि कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों भी ट्रू रहेगा तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स। ओके, सो ट्रू डिसकंजंक्शन फॉल, तो हमें पता है डिसकंजंक्शन के लिए दोनों भी फॉल्स होना तभी फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट पी कंडीशनल क्यू दिस कंजंक्शन आर कंडीशनल एस, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू पी, पी की वैल्यू ट्रू है गिवन है, क्यू की वैल्यू भी ट्रू है गिवन है, ठीक है। उसके बाद में डिसकंजंक्शन, आर की वैल्यू फॉल्स है, कंडीशनल एस की वैल्यू भी फॉल्स गिवन है। ओके, सो कंडीशनल की क्या कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू होना, सेकंड फॉल्स होना, तभी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू डिसकंजंक्शन। उसी तरह से यहाँ पे भी वही कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू होना, सेकंड फॉल्स होना, तभी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू। सो डिसकंजंक्शन, डिसकंजंक्शन के लिए क्या है, जब दोनों भी फॉल्स रहते तभी फॉल्स मिलता, अदरवाइज क्या मिलेगा, ट्रू, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। ओके, देन थर्ड क्यू कंजंक्शन आर दिस कंजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन एस, ओके, सो क्यू क्यू की ट्रूथ वैल्यू में ट्रू दी हुई है, कंजंक्शन आर की वैल्यू में फॉल्स दी हुई है। ओके, डिसकंजंक्शन निगेशन ऑफ पी, पी की ट्रूथ वैल्यू में ट्रू दी हुई है और एस की फॉल्स दी हुई है। ओके, सो ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, ठीक है, कंजंक्शन के लिए दोनों भी ट्रू होना नहीं तो अदरवाइज इसकी वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। डिसकंजंक्शन निगेशन ऑफ टी, ठीक है, निगेशन ऑफ ट्रू का निगेशन फॉल, कंजंक्शन फॉल। सो ये ऐसी रहने दो, कंजंक्शन है, फॉल्स फॉल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी फॉल्स, ठीक है। सो डिसकंजंक्शन के लिए जब दोनों भी फॉल्स होते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ओके, देन नेक्स्ट पी कंडीशनल क्यू
कंजंक्शन निगेशन आर। सो पी की वैल्यू है ट्रू गिवन है, क्यू की वैल्यू है ट्रू गिवन है हमें, कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर, आर की वैल्यू देकर है फॉल्स, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, कंडीशनल के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना तब हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रू, ओके, कंजंक्शन फॉल्स का निगेशन ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते हैं तब हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ओके। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, निगेशन आर बाय कंडीशनल पी, कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है। सो निगेशन ऑफ आर की वैल्यू में फॉल्स दी हुई है, बाय कंडीशनल पी की वैल्यू ट्रू है, कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, ओके। सो फॉल्स का निगेशन ट्रू हो जाएगा, बाय कंडीशनल ट्रू, इम्प्लीकेशन ट्रू का निगेशन हो जाएगा फॉल्स, ओके। सो बाय कंडीशनल की कंडीशन क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते हैं तब हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, कंडीशनल फॉल्स। अब कंडीशनल की क्या कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना तभी हमें फॉल्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, ओके। तो इसकी रूट वैल्यू हो जाएंगे फॉल्स। देन सिक्स्थ वन, निगेशन पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, डिसकंजंक्शन क्यू निगेश सॉरी कंजंक्शन आर, डिसकंजंक्शन पी कंजंक्शन आर, ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये। तो सबसे पहले निगेशन, पी पी की वैल्यू ट्रू है, कंजंक्शन निगेशन क्यू की वैल्यू भी ट्रू गिवन है हमें, कंजंक्शन आर की वैल्यू फॉल्स गिवन है, ओके। देन ब्रैकेट डिसकंजंक्शन, क्यू की वैल्यू ट्रू है, आर की वैल्यू फॉल्स है, डिसकंजंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, पी की वैल्यू ट्रू है, कंजंक्शन आर की वैल्यू फॉल्स है, ओके। सो निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन एफ हो जाएगा, कंजंक्शन निगेशन ऑफ टी एफ हो जाएगा, कंजंक्शन एफ, डिसकंजंक्शन। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, कंजंक्शन है एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है। कंजंक्शन के लिए क्या होना, दोनों भी हमें ट्रू चाहिए। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स। डिसकंजंक्शन, यहाँ पे भी कंजंक्शन है, दोनों भी हमें ट्रू चाहिए थे, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। दैट इज इक्वल टू एफ कंजंक्शन, अब कंजंक्शन के लिए दोनों भी एफ है तो क्या मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू एफ मिलेंगे, ओके। अब यहाँ पे डिसजंक्शन के लिए कंडीशन है, जब दोनों भी फॉल्स रहते हैं तब हमें फॉल्स लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ओके। सो अब यहाँ कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है या कंडीशन है, दोनों भी हमें ट्रू चाहिए तब हम ट्रू लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों भी फॉल्स है तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, डिसकंजंक्शन फॉल्स, ठीक है, फॉल्स डिसकंजंक्शन फॉल्स फॉल्स होता है, इसकी रूट वैल्यू हो गई एफ, ओके। देन नेक्स्ट देन सेवन, सो निगेशन ऑफ पी, पी की वैल्यू हमें ट्रू गिवन है, कंजंक्शन क्यू, क्यू की वैल्यू भी ट्रू गिवन है, कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर, आर की वैल्यू फॉल्स है, ओके। देन डिसकंजंक्शन, क्यू क्यू की वैल्यू ट्रू है एंड पी की वैल्यू भी ट्रू है, ओके। कंडीशनल निगेशन ऑफ एस, एस की वैल्यू फॉल्स है और आर की वैल्यू भी हमें फॉल्स गिवन है, ओके। दैट इज इक्वल निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन हो जाएगा फॉल्स, कंजंक्शन ट्रू, कंजंक्शन फॉल्स का निगेशन हो जाएगा ट्रू, डिसकंजंक्शन ट्रू कंडीशनल ट्रू, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू, ठीक है। हमें पास इसकी वैल्यू कंडीशन कैसी है, फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना तब हम फॉल्स लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखे, ओके। कंडीशनल निगेशन ऑफ एफ हो जाएगा टी, डिसकंजंक्शन एफ। सो यहाँ पे कंजंक्शन है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स, कंजंक्शन
ट्रू, डिसकंजंक्शन ट्रू कंडीशनल, और यहाँ पे डिसकंजंक्शन है एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू। जब दोनों भी फॉल्स रहते थे तब हम फॉल्स लिख सकते थे। ओके, सो कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन के लिए क्या है, दोनों भी ट्रू रहे तभी हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स लिखते। ओके, तो ये हो गया फॉल्स डिसकंजंक्शन। ट्रू कंडीशनल ट्रू, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता था तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख सकते थे। सो डिसकंजंक्शन है, डिसकंजंक्शन की कंडीशन क्या है, जब दोनों भी फॉल्स रहते तब हम फॉल्स लिखते, अदरवाइज हम ट्रू लिखते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ओके, तो इसकी ट्रू वैल्यू हो गई टी। द नेक्स्ट लास्ट वन, एट, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी, पी मीन्स टी, आर की वैल्यू हमें देकर फॉल्स, डिसकंजंक्शन एस की वैल्यू भी हमें फॉल्स दी हुई है, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू ट्रू है। ओके, बाय कंडीशनल पी ट्रू है एंड आर फॉल्स गिवन है। ओके, दैट इज इक्वेलेंस टू निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कंजंक्शन एफ, डिसकंजंक्शन एफ कंडीशनल, टी का निगेशन फॉल्स हो जाएगा, दिस बाय कंडीशनल ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, ठीक है। कंजंक्शन के लिए दोनों भी ट्रू होना, यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ एफ कंडीशनल, सॉरी कंजंक्शन एफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी एफ, डिसकंजंक्शन एफ कंडीशनल एफ, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू होता था, ट्रू फॉल्स, फॉल्स लिख सकते हैं हम ये कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। ओके, बाय कंडीशनल एफ। सो निगेशन, अब फॉल्स डिसकंजंक्शन ट्रू है, डिसकंजंक्शन के लिए क्या है, दोनों भी फॉल्स दिए तब हम फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज हम ट्रू लिखते हैं। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा बाय कंडीशनल, ये हो जाएगा फॉल्स। निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन हो जाएगा फॉल्स, बाय कंडीशनल फॉल्स। तो बाय कंडीशनल की कंडीशन क्या है, दोनों भी फॉल्स या दोनों भी ट्रू रहे तो हम क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रू। ओके, सो एट की ट्रूथ वैल्यू आ गई थ्री। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट के निगेशन लिखना है, तो निगेशन में क्या होता है, नॉट होता है। अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं रहेगा तो हम नॉट लगा देंगे, अगर नॉट रहेगा तो नॉट को रिमूव कर देंगे। ओके, बस इतना ही करना है हमें। ओके, सो सॉल्यूशन पहला क्या है, पहला है तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हमें इसका निगेशन करना है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, दैट इज तिरुपति इज नॉट इन आंध्रा प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, थ्री इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन। अब यहाँ पे नॉट है तो इसके निगेशन में क्या हो जाएगा, नॉट रिमूव हो जाएगा, दैट इज थ्री इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। ओके, देन थर्ड वन, अंडर रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, सो इसका निगेशन हो जाएगा, अंडर रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, फोर्थ वन, पॉलीगॉन इज अ पेंटागॉन, तो बस हमें इसका निगेशन करना है, सो ये हो जाएगा पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज नॉट अ पेंटागॉन। ओके, लास्ट वन, सेवन प्लस थ्री इज ग्रेटर देन फाइव, सो इट्स निगेशन इज सेवन प्लस थ्री इज नॉट ग्रेटर देन फाइव। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।